ग्रुप देवरिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को चेंजर और चेंजर के प्रति क्वेश्चन जो आपके रह जाते हैं कि चेंजर में हम लोग कनेक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और यहाँ पे हमने दो चेंजर रखा हुआ है जो अलग अलग टाइपों का चेंजर मेरा है, ठीक है। तो आपको हम उसके बारे में बताएंगे कि उसमें कनेक्शन कैसे करते हैं और शॉर्टिंग से कैसे बच सकते हैं उसके भी बारे में बताएंगे। बहुत सारे लोग जब इसका कनेक्शन करते हैं तो उस सप्लाई को शॉर्ट कर देते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने बोर्ड पे और उसका कनेक्शन करके आपको बताते हैं कि उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो हमारे पास देख सकते हैं, एक मेरे पास में ऑलरेडी ये चेंजर मेरे पास में है और एक चेंजर ये है जो अपने हाथ का जुगाड़ का बनाया हुआ है, क्योंकि हमारे इंडिया में और यूपी में खास करके जुगाड़ अधिक चलता है, ठीक है। क्योंकि हम यूपी बिहार वाले हैं तो यहाँ पर जो है कि जुगाड़ अधिक चलता है। तो हमारे पास में एक जुगाड़ वाला चेंजर है और एक ऑटोमेटिक जो कंपनी हमारी तैयार करके देती है वो मेरे पास में चेंजर है। तो इसका हम कनेक्शन कैसे करेंगे और इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, जो नॉर्मल 6 पोल का हमारा आता है उसमें कैसे कनेक्शन किया था, जो यहाँ पर आपका ऑलरेडी है मेरे पास में, मैं इसको भी करके बताऊंगा और इसके अंदर भी बता रहा हूँ कि इसके अंदर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो आइए सबसे पहले मैं अपने बोर्ड पर समझाऊंगा, फिर आपको मैं उसका प्रयोग भी करके दिखाऊंगा कि इसका कनेक्शन कैसे निकाला गया है, कैसे लिया गया है, कैसे लिया गया, पूरा प्रैक्टिकल करके। बस करना कुछ नहीं है, आपको इस वीडियो के पूरे लास्ट तक बने रहना है ताकि आपके पास में पूरी जानकारी हो सके। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल के आइकन को ऑल पे सेट करके रखिए ताकि आपके पास में पूरी जानकारी हो सके और मैं वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास में जाए। तो आइए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो जैसे कि मैं सबसे पहले 9 पोल 6 पोल जो आपके चेंजओवर आते हैं उसके बारे में हम बता देते हैं। यहाँ पे जैसे कि जो अभी मैंने चेंजर जो जुगाड़ से चेंजर बताया गया था पहले उसके बारे में बताते हैं और फिर आगे आकर के आपका जब पॉइंट बढ़ जाता है उसमें कैसे कनेक्शन करते हैं उसके भी बारे में आपको बताएंगे। तो जैसे कि जो आपके 9 पोल के चेंजर होते हैं उसके अंदर आपके ऐसे 9 पॉइंट आपके होते हैं, एक चेंजर के अंतर्गत ऐसे 9 पॉइंट होते हैं। आप हालांकि चाहते तो 6 पोल इसमें बना सकते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, और हालांकि जो प्रयोग हमारा होता है 6 ही पॉइंट का होता है, ठीक है, जो एक चेंजर के अंतर्गत में आपका होता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो 6 आपके पॉइंट दिए गए हैं इसमें आप जो ऊपर वाला पॉइंट है इसमें जनरेटर का प्रयोग कर सकते हैं और जो नीचे वाला पॉइंट है इसमें आप नॉर्मली बिजली का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें आपका फेज न्यूट्रल आता है, ठीक है। और जो ये आपका होता है ये पॉइंट आपका कॉमन होता है, जिस प्रकार ट्यूबवे स्विच के अंदर, ये मैं एक ट्यूबवे स्विच भी आपको दिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ये ट्यूबवे स्विच भी एक प्रकार से चेंजओवर का ही कार्य करता है। कैसे कि ऊपर की हमारी सप्लाई यहाँ पे जनरेटर आ जाए तो ये आपकी जनरेटर हो गई और इधर बिजली की सप्लाई आ जाए फेस न्यूट्रल, तो आप एक कॉमन करके सप्लाई को ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ऊपर जैसे दबाऊंगा तो यहाँ से आपका जनरेटर का सप्लाई निकलेगा और जैसे इसको नीचे दबाऊंगा तो ये पॉइंट को कट कर देगा और इधर से जनरेटर का सप्लाई निकलेगा। ये पैमाना सिर्फ आपको समझाने के लिए बताना था ताकि इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, जो प्रयोग हम लोग करेंगे इस चेंजर का करेंगे, सिर्फ इधर समझाना था कि जब हम लोग इसको ऊपर करते हैं तो जनरेटर को टच करता है और जब नीचे टच करते हैं तो बिजली को टच करता है। ठीक इसी प्रकार से आपका जो चेंजर होता है चेंजर के अंदर भी कनेक्शन होता है। जैसे जो जनरेटर के 2 सप्लाई होती है, एक आपका फेज होता है और दूसरा आपका न्यूट्रल होता है, ये एक पॉइंट को दे देंगे, ठीक है। और जो आप इधर बेलन होता है एक आपके चेंजओवर में ऐसे कुछ करके होता है जो आपका ऊपर नीचे करने के लिए होता है, आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। फिर आप जो है कि इधर नीचे वाले में एक फेस बिजली की सप्लाई दे देंगे और एक अपना न्यूट्रल आप बिजली की सप्लाई देंगे। अगर आप चाहते हैं तो इन दोनों पॉइंट पर भी फेस न्यूट्रल दे सकते हैं, इधर दोनों पॉइंट पे देंगे। अगर आप इस दोनों पॉइंट पे देंगे तो जो कॉमन होगा आप इसी बीच से ही निकालेंगे, लेकिन हम लोग जो है कि यहाँ पे पॉइंट को दिए हुए हैं और जनरेटर का यहाँ और यहाँ पर दिए हुए हैं, तो जैसे आप इसको नीचे की तरफ में टच करेंगे तो ये जो तीनों पॉइंट होता है ये नीचे के रास्ते में टच हो जाता है, यानी ये जो कॉमन पॉइंट होता है इस पॉइंट से टच हो जाता है। आप इसको अगर ऊपर घुमाएंगे ये जो सारा तीनों पॉइंट होगा ये ऊपर वाले पॉइंट को टच कर जाएगा और आपके कॉमन से फेस और कॉमन से न्यूट्रल, यानी आपका ये फेस और ये न्यूट्रल आपके घर में चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसमें सिंगल फेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसमें आप डबल फेस लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, ट्रिपल फेस के लिए आपका अलग चेंजओवर आता है, अगर नहीं आता तो आप बना भी सकते हैं। ऑलरेडी मैं किसी एक वीडियो में आपको बता दूंगा कि चेंजओवर कैसे बनाते हैं, तो अगर आपको चॉइस में है 3 फेस में बनाना तो 3 फेस में बना सकते हैं, सिंगल फेस में बना चाहते हैं सिंगल फेस में बना सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा गया है ताकि अगर इसके अंदर कोई एक पॉइंट खराब हो जाए तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये आपका नॉर्मली चेंजर जो हमारे घर में आपके घर में होता है जिसका कनेक्शन हम लोग करते हैं, तो उसका कनेक्शन आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। आइए अब हम थोड़ा हट करके बताते हैं, चूंकि जो ये मार्टिंग हमारी चेंजर होती है इसके अंदर कनेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अलग होता है। चूंकि आप इसके अंदर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 ऊपर और 4 नीचे ही दिया गया है, तो इसका कनेक्शन कैसे किया गया है, जब चूंकि इसके अंदर 8 है तो इसके अंदर कनेक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में बता रहा है। जैसे कि चूंकि नॉर्मल जो चेंजर होता है नॉर्मल चेंजर का कनेक्शन आप ऐसे कर सकते हैं और इस चेंजर का कैसे कनेक्शन करेंगे उसके बारे में बता रहा है।
अभी जो आपको हमने चेंजओवर दिखाया इसके अंदर आपके 8 पॉइंट होते हैं। हमने यहां पर बना दिया 1, 2, 3, 4 और 4 नीचे, इस तरीके से आपके 8 पॉइंट हो जाते हैं। इसके अंदर जो कनेक्शन होता है ये किस प्रकार का होता है, तो आप देखिए जैसे ये जो पॉइंट होता है और ये पॉइंट, ये आपस में शॉर्ट होता है, यानी एक क्या करते हैं इसके अंदर आपका एक लोहा का पत्ती होता है जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट पर हम इसको कस देते हैं, और ये एक पॉइंट ये आपस में शॉर्ट होता है। तो थोड़ा सा समझिए इस चीज को ध्यान से, अगर हो सकता है तो अपनी कॉपी पे आप इसको बना करके भी समझिए, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके अंदर जो फेज है आपका, चाहे वो बिजली का हो चाहे वो जनरेटर का हो, तो मानते हैं कि हमने ऊपर ये जनरेटर का दिया, फिर आपका जनरेटर की सप्लाई हो गई, फेज और न्यूट्रल दोनों पॉइंट को कॉपी दे दिया। इसी तरीके से आपको इधर नीचे भी एक फेज देना है और एक आपको ये न्यूट्रल देना है, किसका, बिजली का। अब क्या होगा कि जब आप इस जनरेटर के सप्लाई को नीचे टच करेंगे, नीचे की तरफ में या ऊपर की तरफ में किधर भी, तो अगर आप इसको नीचे की तरफ में टच करेंगे तो ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट से टच हो जाता है। इस तरीके से इसके अंदर पत्ती होती है, दो इसके अंदर खड़ा पत्ती होता है, जो मैं आपको दिखा दूं, आप देख सकते हैं यहां पर आपका ये दो पिन आपका खड़ा दिख रहा है ना, ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट से टच होता है, दोनों पॉइंट से टच होता है, थोड़ा देख लीजिए पास से, ठीक है। तो ये आपके समझने के लिए कॉपी है, बाकी मैं इसका प्रैक्टिकल भी करके दूंगा और दूसरी वीडियो में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा सप्लाई कैसे निकाला जाता है, कैसे दिया जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास में सबसे पहले जाएगा, ठीक है। तो आइए हम आपको बताते हैं अब इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। तो आपने क्या किया, ऊपर की सप्लाई को जनरेटर में दे दिया और नीचे की सप्लाई को आपने बिजली को दे दिया। अब क्या करेंगे कि जो आपका फेज सप्लाई है, आपका इधर कॉमन से सप्लाई आपका फेज निकल जाएगा, ठीक है, और यहां से आपका ये न्यूट्रल निकल जाएगा, कहां पर जाएगा, यानी ये आपके घर में सप्लाई जाने के लिए रेडी है। अब क्या करना है आपको, जैसे आप इसको ऊपर की तरफ में घुमाएंगे, तो जब आप ऊपर की तरफ में घुमाएंगे तो नीचे वाले पॉइंट को क्या कर देगा, छोड़ देगा, और ऊपर वाले पॉइंट को ये पकड़ लेगा, यानी ऊपर वाले किसको किसको पकड़ेगा, एक ऐसे पॉइंट पकड़ लेगा और एक ऐसे। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि ये वाला जो फेस है, ये फेस यहां से घूम करके इसमें जा रहा है और यही आपका निकल रहा है यहां पर, तो आपके घर में फेस जाएगा ना, और इसी तरीके से न्यूट्रल भी जा रहा है, जब ये इसको टच कर रहा है तो यहां से आपका फेस घूम करके न्यूट्रल घूम करके इसमें जा रहा है और ये न्यूट्रल आपके घर में जा रहा है। तो इस तरीके से आप दोनों सप्लाई को ले सकते हैं इस चेंज ओवर में, नीचे की सप्लाई में जनरेटर का ले सकते हैं, नीचे सप्लाई बिजली चाहे जनरेटर आपकी इच्छा, और इसी तरीके से ऊपर भी सप्लाई को जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से दोनों सप्लाई को आप निकाल सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं। तो इस प्रकार से चेंज ओवर का कनेक्शन किया जाता है। दूसरे वीडियो में इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और आपको बिल्कुल विधिवत इसका कनेक्शन भी करके मैं दिखाऊंगा कि इसके अंदर सप्लाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आप बिल्कुल अगर दूसरा वीडियो देखना है तो हमारा जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपके पास में जानकारी हो सके। थैंक यू।